अरे नाला खुदाई क्यों कर रहे हैं आप? नहीं तो स्लैब डालने की आपने परमिशन ली है किसी से? ऐसे नाला बिना किसी की परमिशन से कैसे खोद सकते हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ बंद करो, अपने मालिकों से पूछो, इसकी मानक तय है। आप तो आपको किसने दिशा निर्देशित किसने किया आपको? यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, क्लाइंट वाले। हाँ, जो क्लाइंट बैठे हैं, तो ऐसे नाला खोदने की परमिशन है? आपने कहीं से परमिशन ली है? ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की परमिशन है उनके पास? अधिकारियों जी को भेज दीजिए, आप भिजवा दीजिए, भिजवाइए भिजवाइए। आप स्लैब डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नाला थोड़ा खोद दोगे बरसाती नाला यार? आप क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पर? जो भी कर रहा हूँ, नहीं काम कर रहे हैं क्या? डेजिग्नेटेड हैं, फैक्ट्री से हैं, किससे हैं आप? नहीं नहीं, जो ठेकेदार है उसको, ठेकेदार की तरफ से हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, काम तो कर ही रहे हैं तभी खड़े ही होंगे यार, ऐसी कोई बात थोड़ना है। नहीं आ रहे हैं वो? भैया पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप यहाँ पे ड्यूटी पे है ना? है ना, आप ड्यूटी पे हैं? सर मेरी 8 बजे से है। आपकी 8 बजे से ड्यूटी? ये गड्ढा यहाँ पर आपके सामने खुदाई हो रही है, ये मानकों के तहत हो रही है? जी सर, उनसे बात नहीं, उनसे मैं क्यों बात करूँ, ड्यूटी में तो आप भी हैं सर यहाँ पर। मेरी 8 बजे से है। 8 बजे से हो, वर्दी में तो यहीं पर खड़े हो, ड्यूटी तो होगी ना सरकार की। अभी ऐसे नाला यहाँ खुदाई चल रहा है तो ये क्या मानकों के साथ चल रहा है? ये जो आपने नाला खोद दिया है, यहाँ से मिट्टी उठा के उधर आप डाल रहे हैं सर, है ना? ये जो नाले की खुदाई आपने करी है, ये बरसात का नाला है, आपने जड़ बैठा दी बिल्कुल रोड के किनारे, यहाँ खोद दिया। ये देखिए, आप खुद देखिए कितना गहरा आपने खोद दिया है। आप ये बताइए, आप फैक्ट्री का काम चालू करिए, आदेश है आप करिए, लेकिन ये मानक सही है? एक मिनट रुको, पहले काम एक होता है के लिए खोदा गया है, ये रोड थोड़ा करने के लिए, उसकी फुटिंग डाल के उसका RCC वाल्व देख रही है ये वाला जी। तो ये नहीं, फुटिंग बढ़ ली है जो भी हो रहा है, लेकिन ये मानकों के तहत है? ये आपने ज्ञात है आपको, आपने परमिशन ली हुई है? नहीं नहीं, परमिशन ली है। एक मिनट, गड्ढा खोद के इसको नाला नहीं बढ़ाया जा रहा? नहीं नहीं सर, ये देखिए ना, ये देखिए ना आप, ये आपने कहाँ बैठा दिया, ये रोड देखिए और इसके डायमेंशन देखिए आप। दाजू उसको, दाजू ये भी तो देख, बंद हो जाएगा, कब होगा दाजू? ऐसे थोड़ा मानकों के तहत आप काम करिए, रोक थोड़ा रहे हैं आपको। आप मुझे बताइए, आपने PWD से परमिशन ली इस चीज की कि मैं यहाँ गड्ढा खोद रहा हूँ, इसके ऊपर स्लैब डालूंगा? आप फैक्ट्री में अंदर काम करिए जो कर रहे हैं, आपने यहाँ की परमिशन ली? कोई लेटर आपके पास? अभी शुक्ला जी है नहीं, ऐसा है तो परमिशन आप दिखाइए ना, बता रहा हूँ। अगर ऐतराज आपत्ति है तो आपत्ति तो बिल्कुल होगी सर, हमारी गांव की रोड नीचे आ जाएगी। मैं आपको इधर आऊँ, आपके हैवी ट्रक यहाँ से नीचे गए हैं, ये बिजली का खंबा है देखिए, आगे दिख रहा है सेकंड पोल बिजली का, इसके आगे आप रोड देखिए जाके, वो पूरी ढहने को तैयार है। अब आप ऐसे अगर गड्ढे करते रहेंगे यहाँ पर इन जगहों पर, आप बेमानी मानक के तहत आप काम करिए, गांव वाला आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये अवैध काम आप करेंगे, ऐसे सड़कों की आप ये हालत कर देंगे यहाँ पर, तो कैसे चलेगा साहब? अच्छा ये बताओ, ये सरकारी नाले में है ये वाला? सरकारी नाले में है? सरकारी नाला हो ना हो, मेरा भी अगर खेत भी मेरा है, मैं उसके जड़ से थोड़ा खोद सकता हूँ साहब। मुझे जानकारी नहीं, मैं आपसे जानकारी। अगर आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? मैं तो ऐसे लाइजनिंग देखता हूं। लाइजनिंग आप देखते हैं यहाँ पर, तो अगर अभी तो इस साइड की जिम्मेदारी आप पे? नहीं नहीं, जिम्मेदारी आपकी नहीं, अभी
आपकी तो होगी, शुक्ला जी होनी मौके पे, मौके पे अगर मैं को किसी से बात करनी है यहाँ पर आके तो मैं आपसे ही करूँगा। फिलहाल अधिकारी तभी आप ही हैं, और आप कह रहे मुझको जिम्मेदारी नहीं है, और आप उससे पूछ रहे हैं ये क्यों खोद दिया, ये देख रहे हैं आप ये देखिए ना रोड की क्या हालत हो गई है। आप काम करिए, मना नहीं है, कोई गाँव वाला कोई परेशान भी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे काम तो मत करिए। अगर ये ढह गई रोड नीचे, ना सरकार ने सुध लेनी ना किसी ने लेनी है, तो ये तो ऐसे अवैध काम तो मत करिए ना, ये तो गलत ही हो रहा है। अगर परमिशन है तो पूछिए, दिखाइए। ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब। और यहाँ पे ऑन ड्यूटी पुलिस वाले कौन कौन है? वीर जी ड्यूटी पे आप हैं यहाँ पर? आप ड्यूटी पे हैं ना? अब देखिए परमिशन हाई कोर्ट ने दी है, दी हुई है काम करने की, इसका मतलब ये थोड़ा ना है नाले वाले सब खोद दे जेसीबी लेके। आप लोग यहाँ बैठे हैं पुलिस के वर्दी पहन के, आइए आइए आइए, आप देखिए ना। अरे आप फील्ड के अंदर बैठे हैं जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ से खुदाई हो रही है, यहाँ का रुकवाना है। अरे साहब यहाँ का रुकवाना नहीं है आपका काम, आपका काम है, आपका काम है काम सुचारू रूप से करवाना, ये आपका काम है। आप इसके अंदर आपको आना ही नहीं चाहिए। मैं इसके अंदर क्यों नहीं आ सकता, मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ साहब, ये नहीं लिखा, नहीं कोर्ट ने 140 धारा नहीं लगाई है साहब। डालोगे तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई। अरे सर मैं तो आपसे पूछने आया हूँ, मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ, मैं वही तो पूछने आया हूँ आपसे साहब, मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ। बाधा तो मैंने तो सर से भी नहीं बोला बाधा डालने के लिए, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ साहब, ये जो गड्ढा हो गया है यहाँ पर, ये जो गड्ढा कर दिया है, इतना फुटिंग डाल दिया है, ये मानकों के तहत तो है नहीं साहब। वो आप वहाँ बताइए जो मान के इसके पूरे करते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ ना। आप अगर खड़े हैं साहब, आप अगर खड़े हैं तो आपकी तो ड्यूटी बनती है साहब, आपकी तो ड्यूटी बनती है साहब। मेरा काम यहाँ अंदर की सुरक्षा का है, अगर कोई आगे बिगड़ डालेगा ठीक है, है नहीं बस इतना इसके ही लिए है। आप जा करके, आप किसके अलावा कोई काम नहीं है ना, ठीक है वही मैं पूछ जाता हूँ। आप इसका क्या पैमाना है? नहीं मैं पैमाने जानने आया हूँ, मैं तो साहब से वही पैमाने जानने आया हूँ इसका, जो मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि काम में बिगड़ डालू, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। अगर ये रोड नीचे जाएगी ठीक है, मैं तो वही पूछना आया हूँ उनसे कि भैया ये गड्ढा क्यों कर दिया ऐसे, मैं तो वो पूछना है। जो आप मुझसे बोल लो ना, आप पे दफा लग जाएगी, आप मानक रोक रहे हो, मैं अंदर आ सकता हूँ, काम में विघ्न नहीं डाल रहा। हाँ बस बस, कोर्ट ने थोड़ा बोला प्लॉट के अंदर कोई नहीं आ सकता, मैं आके गाड़ी गलौज कर दूँ। वैसे आइए वेलकम होगा, तो मैं तो वैसे ही आया साहब, मैं आके गाड़ी गलौज के लिए आएंगे तो आपको, मैंने किसी के साथ गाड़ी गलौज तो करी नहीं अंदर आके साहब, ना मैंने किसी से बोला अभी काम कैसे कर दिया, मैं तो जेसीबी तक नहीं रुकवाई, मैंने तो बोला अधिकारी को बुलाइए, आप करते रहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर है मैं तो बोला उसको बुलाइए। अब ऐसे अगर काम होंगे साहब तो गलती ना आप भी देखिए। चलो इनको कहते मिट्टी डाल देंगे, पानी पड़ेगा, ये देखिए ना रोड देखिए ना, ये ट्रक निकलेगा कुछ निकलेगा ढह जाने। चलो दादी रुक गया ना, अब नहीं खोदा जा रहा है ना, उसको नहीं साहब आप करिए काम, देखिए करिए खोदेंगे तो नक्शा उठा या कंफर्म करने के बाद, वो कंफर्म करने के बाद वो करवाइए। हाँ हाँ वो करवाइए आप, बिल्कुल वो करवाइए, जो मिले आपको आप काम करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद साहब।